प्रजापति समाज जबलपुर लोकसभा में 130,000 जनसंख्या है। अभी तक प्रजापति समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि प्रजापति समाज 40 से 45 हजार हमारी जनसंख्या है। पश्चिम में 14-16 हजार मतदाता है और प्रजापति समाज का भी आजादी के बाद कोई प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। हर समाज के लोग जिनके आका है वो ऊपर बैठे हैं, वे अपने अपने आका को या अपने अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहा है। हमारा कोई आका है ही नहीं, हम लोग किससे मांगे। प्रजापति समाज के बगैर 2-3 माह से संबंध रहे। आज प्रजापति समाज के सभी वरिष्ठ समाज सेवी, समाज के मुखिया चौधरी, मैं प्रजापति समाज के मुखिया है रामलाल जी, लल्ला प्रसाद चक्रवर्ती जी, समाज के संगठन मंत्री है भाई दोजी लाल जी, स्वयं मार्टर समाज के वरिष्ठ, ऐसे बहुत से लोग समाज के सभी गणमान्य नागरिक है। समाज की ये रूपरेखा है कि समाज का विकास अभी जो नहीं हुआ है, सब समाज आगे बढ़ चुके, हमारी समाज का विकास नहीं हुआ है। जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां उनने हमारी समाज को नजरअंदाज किया है, हमारा कोई आधार नहीं है। आप देखिए हर वक्त, आप देखिए महापौर जी हैं साहू समाज से, यादव जी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, सिंधी समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, आदिवासी समाज, हर समाज के वर्ग के लोग हैं। हमारी समाज चूंकि जनसंख्या ज्यादा, हमको मेरा निवेदन है राष्ट्रीय पार्टियों से, वे हमारी समाज के ऊपर भी ध्यान दें जिससे हमारे समाज का ही विकास हो सके। हमारे लोगों कोई काम पड़ता है तो दर दर हम लोग भटकते हैं, हम लोगों की तरफ कोई देखते ही नहीं है। समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हमारी समाज को अगर आगे लाती, प्रतिनिधित्व देती है, तो हमारी समाज उनको हमारी समाज अत्यंत पिछड़ी समाज है, मिट्टी का कार्य करती है और साथ में अन्य धंधे भी कर रही है, लेकिन अधिकतर लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। समाज दो भागों में विभाजित है, 10 जिलों में अनुसूचित जाति में आ रही है और शेष 40 जिलों में पिछड़ी जाति में आ रही है। समाज के सभी लोगों का मानना है कि सरकार ने हम लोगों के साथ भेदभाव बना रखा है। 50 साल आज़ादी के हो गए, समाज के संगठन बराबर इस लड़ाई में लड़ते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार आज तक इस मुद्दे को हल नहीं कर पाई। केंद्र सरकार से आग्रह है कि हम लोगों की जो समस्या है, अनुसूचित जाति पूरे प्रदेश में आना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। साथ में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है समाज का, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में मिट्टी, पानी, कोयला, राखड़ सभी समस्याएं जटिल हैं। यहाँ से लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इस सब समस्याओं को देखते हुए यदि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को भाजपा हो, कांग्रेस हो, यहाँ से अगर टिकट मिलती है तो वो जीत के जाते हैं, तो हमारी समाज की समस्याओं को वो भली भांति वहाँ ऊपर रखकर उसको निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।